होगी
बॉडी केवल केवल क्या करेगी, अपने एक्शन की रोटेट होगी। और पीछे हम लोग सामना पड़ा था, अगर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ओमेगा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण क्या है बॉडी का एक्शन क्या पड़ रही है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उस कंडीशन में हमारा बेटा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो के ई रोटेशनल होगा और इसकी वैल्यू होगी हाफ आई टू ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ आई टू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ओमेगा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा वी अपॉन आर, क्या पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू वी बाई वी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर इनटू क्या ओमेगा पढ़ा है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करें और किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में जब पढ़ा था तो आपको पता है ना आई कंट्री एम के स्क्वायर रूट है, जैसे अलग अलग बॉडी जो होगी अलग अलग एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, बट जब हम किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही देखता हूँ आई कंट्री लिखते हैं वहाँ पे तो एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सिर्फ डी आर एस करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा बेटा हाफ एम के स्क्वायर को अलग कर लीजिए ये ब्रैकेट में एम के स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, हाफ एम के स्क्वायर को अभी हम लोगों ने लिखा था क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा था ना, हाफ एम के स्क्वायर किसी भी बॉडी का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसे इंडिकेट करता है। इसका मतलब एक रिलेशन भी आप बना सकते हो कि किसी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा कि ये रोटेशनल की वैल्यू ये के ई ट्रांसलेशनल का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स होता है, क्या होगा यानी किसी भी बॉडी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का के स्क्वायर अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर टाइम्स होता है। तो अगर किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल आपको मालूम हो और बॉडी का आपका क्या सेम या बॉडी आपको दी गई कौन सी बॉडी है उसके लिए आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो रोटेशनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, या रोटेशनल वैल्यू आपको गिवन हो और ट्रांसलेशनल की वैल्यू फाइंड कर रही हो तो रोटेशनल वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आपको क्या होगा वहाँ से अपडेट हो जाता है। ये कंडीशन आपका होता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में क्या रिलेशन होगा इसके बेस पर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हो गया जैसे मान लो पैन है, पैन अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है तो कंडीशन किसकी हो गई स्पिनिंग की हो गई, गाड़ी या व्हीकल्स कोई भी है बट वो कहाँ पे रोड पे नहीं रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे स्टैंड पे आप खड़ा कर दीजिए उसके बाद उसके व्हील्स को रोटेट करिए तो कंडीशन आपका होगा किसका स्पिनिंग का होगा। ठीक तो ये कंडीशन हो गया स्पिनिंग। तीसरा कंडीशन होता है रोलिंग, हर कंडीशन मान लो होता है बेटा रोलिंग। अब अगर कोई भी बॉडी है अगर किसी सरफेस पे लेकिन अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे जो सरफेस होना चाहिए ऑलवेज रफ होना चाहिए, अगर रफ नहीं है तो कभी भी रोलिंग पॉसिबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू फ्रैक्शन को जीरो था और यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शन फोर्स एफ नॉट इक्वल टू क्या जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए जबकि वहाँ पे क्या था जीरो होना चाहिए, यानी स्लीपिंग की बॉडी को आपको जो सरफेस है वो सरफेस और उस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तभी वो स्लिप करेगा, जबकि रोलिंग के लिए कभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अगर जीरो होगा तो कभी भी बॉडी रोल नहीं कर सकता है। अगर कोई बॉडी बेटा रोल कर रहा है तो रोलिंग के लिए हमेशा उन सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन का होना कंपल्सरी है, जैसे आप देखते हो जहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम हो अगर बहुत स्मूथ है रोड पर जा रहे हैं रोड बहुत स्मूथ है किसी का गाड़ी लीक कर गया तो उसमें क्या मोबिल वगैरह लीक हुआ है तो क्या स्पीड ब्रेक लेते हैं तो क्या करते हैं स्किड कर जाते हैं, स्केटिंग क्यों हो जाती है क्योंकि वहाँ जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमें चाहिए था उससे क्या फ्रिक्शन की वैल्यू कम है इसीलिए आपका फिर तो जीरो नहीं होता है, जीरो तो कभी हम कर ही नहीं सकते जीरो नहीं होता बट बीमारी तरीके रिड्यूस हो जाता है इसलिए कभी कभी गाड़ी स्किड कर जाती है। ठीक तो यहाँ पे क्या होगा जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे रोल करने के लिए ये बॉडी आगे की तरफ क्या करेगा मूव करेगा, जब मूव करेगा बेटा तो ये पोर्शन हमारा नीचे आ गया इस तरह से आपका यहाँ से मूवमेंट आपका होता है यानी कि ये आगे की तरफ क्या करेगा मूव करता हुआ जाएगा, तो उस केस में यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे मूव करेगा और ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी होगा, अगर रोटेशन भी होगा ट्रांसलेशन मतलब आगे चलेगी और अपने एक्सिस पे रोटेट भी होगा तो ऐसे तो हम लोग क्या कह लेंगे रोलिंग कहेंगे। जैसे गाड़ी जब रोड पे चलती है जब कहाँ पे चलती है रोड पे चलती है उस समय उसका जब मोशन होता है ना तो स्केटिंग होती है
ना तो स्पिनिंग होती है, तब उस कंडीशन में क्या बोलेंगे आप? टोलिंग। टोलिंग का अब गाड़ी अगर रोड पे चला रहे हो, ठीक है, कंडीशन हो कि उसमें ट्रैक्शन इतना सफिशियंट है, गाड़ी गाड़ी आपने क्या करें आगे मूव कर दिया है, ठीक, तो उस केस में जो आपका होगा वो कैसे क्या कहेंगे उसे हम लोग? टोलिंग के देंगे। क्या हो बेटा ठीक हो करा भी गया तो उस केस में क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे आप? रोलिंग कह देंगे। क्या कहेंगे उसे? रोलिंग कह देंगे। ये रोलिंग करते समय जो बॉडी आपका होगा कैसा ट्रांसलेट भी करेगा और साथ में क्या कर रहा है, स्पिनिंग प्लस ट्रांसलेशन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे हम लोग कह रहे थे बेटा रोलिंग, ठीक, मतलब अपने एक्सेस पे भी रोटेट करेगा और आगे की तरफ क्या करेगा मूव भी करेगा। उस कंडीशन में यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की होगी, और यहाँ रोलिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि रोलिंग का जो होगा ये के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई क्या रोटेशनल, के ई रोटेशनल दोनों के सम के बराबर होता है। अगर कोई भी बॉडी है वो बेटा रोल क्या कर रही है, रोलिंग करते हुए आगे जा रही है, कंडीशन उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल तो हम लोग से ट्रांसफर करता है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या करेगा हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशनल के लिए हम लोग से फार्मूला निकाला, देखो हाफ एम बी स्क्वायर क्या कहते हैं के स्क्वायर अपन क्या आर स्क्वायर, तो इसको आपने ले लिया हाफ एम बी स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर अपन कितना, देखो ये दोनों में इन दोनों में फैक्टर में आपका क्या हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन है, दोनों में हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो गया कॉमन हो गया, इसका मतलब कि ई जब रोलिंग की आप बात करोगे हमें पूरा रोलिंग दिख रहा है आठ इंच, लेकिन आपसे हमें रोटेशन को भी दिखाया है यहाँ रोलिंग कंप्लीट दिख रहे हैं, तो के ई रोलिंग की वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो दोनों में हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन है, तो हाफ एम बी स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया, वन प्लस कितना आ गया के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, यानी कि अगर कोई बॉडी रोल करते हुए आगे मूव कर रही है तो उस केस में टोटल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर टाइप का होगा, ठीक। के को कहते हैं रेडियस ऑफ क्या डायरेक्शन, हिंदी वालों ने पढ़ा हुआ घूर्णन त्रिज्या, हिंदी में क्या बोला गया होगा घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं, ठीक, उस केस में क्या होगा अब यहाँ से आप निकलो तो हाफ एम के ई रोलिंग की वैल्यू होगी, इसे कह रहे हैं के ई क्या ट्रांसलेशनल ब्रैकेट में वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों फार्मूलों का जिस क्रम में रहेगा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया, यानी जब हम लोग बात करते हैं स्पिनिंग की स्लिपिंग की तो वहाँ पे बॉडी स्लिप कभी भी जाएगी कभी भी रोटेट नहीं करेगी, ठीक, उस केस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी अगर बॉडी की वेलोसिटी भी है वहाँ से है तो उस केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, इसे कहेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलोगे क्या बोलते हैं इसको ट्रांसलेशन को स्थानांतरित स्थानांतरित जी स्थानांतरित स्थानांतरित गति ऊर्जा, चलिए बैठे दूसरा कंडीशन हो गया इसे कहेंगे रोलिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये वाला आप क्या हो गया देखिए करा बेटा विश्व होगा
कोई भी सर्विस प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन सड़कते तो है हम लोग जरूर है। Yeah.
चार महीने से उस तक लग जाता है। चार महीने से पता नहीं सही होता है। कितना है कि इसका भाई आर स्क्वायर बना दिया
जो वैल्यू है ये टू टाइम्स आप ये टाइम्स रखना के क्या होगा बराबर दो गुना हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग ये रिलेशन निकालेंगे डिस्क के लिए, अगर आप डिस्क के लिए निकालोगे किसके लिए निकालेंगे सॉरी हाँ डिस्क के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ये इक्वल टू ये टाइम्स रखना वन प्लस वन बाई कितना टू थ्री बाई टू तो ये होगा बेटा कि ये इरोजिंग की जो वैल्यू होगी ये थ्री बाई टू टाइम्स आप ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो भाई ट्रांसलेशन करने के लिए का तीन बटे दो गुना होता है लोडिंग की वैल्यू। ठीक, और जब स्पेयर की लिखेंगे स्पेयर की लिखेंगे तो ये ए लोडिंग होगा ये ट्रांसलेशनल वन प्लस टू अपॉन फाइव फाइव बजा फाइव टू सेवन सेवन बाई फाइव टाइम्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ये रोलिंग की जो वैल्यू हो गई आठ बजे रोलिंग है बेटा इक्वल टू ये ट्रांसलेशनल कितना सेवन बाई टू यही लिखे जाएंगे। तो होगा सेवन बाई टू टाइम्स आप सिलेंडर अगर सिलेंडर को आप रोटेट करेंगे तो आप सिलेंडर भी कर लीजिए हाथों के लेने के बाद क्या होगा बेटा पार हाथ स्पेयर आलू स्पेयर यानी स्पेकल से इसी कह रहे हैं बेटा। ठीक, इसके लिए जब लेंगे तो आपने पढ़ा था जो हम लोगों ने क्या यहाँ पे जब निकालेंगे तो आई की वैल्यू होता था एम के स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था हाथों स्पेयर के लिए फिर वाट हाथों स्पेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम में लिखो क्या ये एग्जाम क्लास किए थे और करेंगे अगला वाला नहीं करेंगे बताओ थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। हाँ जी इधर कौन कौन है हाँ ये तो बोले तो वाइफ थ्री एम आर स्क्वायर हो जाएगा आप तो बोले कि इनका सही माने इनका सही है तो उल्टा हो गया आप तो उल्टा हो गया इधर रहिए ना बैठे बेटा टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर कितना टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से करोगे रिलेशन निकालोगे या फिर कैसे होगा तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू टू बाई थ्री तो यहाँ पे निकालो के ई लोडिंग लोडिंग का और रोटेशनल का जो भी कह लीजिए आप। ठीक, इक्वल टू कितना होगा बेटा आर बटा थ्री के ई ट्रांसलेशनल इनटू वन प्लस टू बाई थ्री देने जा जाएगा फाइव बाई थ्री के ई ट्रांसलेशनल हो गया यहाँ से आप प्रेजेंट कर देते हैं क्या कंडीशन बनेगा दोनों में रिलेशन क्या होगा बोलेगा तो रोलिंग और ट्रांसलेशन में कैसे एग्जाम्पल किसने एग्जाम्पल बोला सिलेंडर बोले सिलेंडर
पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आप देखें,
यहाँ ले लिया, एक पॉइंट थीटा यहाँ ले लिया, एक पॉइंट आपने यहाँ टाप ले लिया। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपका जो भी है वो रोटेट कर रहा है, ठीक, रेडियस आपका आर ले लिया, रेडियस की वैल्यू आर है। सपोज दैट सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ये बी सी एम है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी, अगर कोई भी बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है और उसका क्या कैसा है कंडीशन, रोलिंग ग्राउंड स्लिपिंग कंडीशन है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बी इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होगा ये आर बेस आर ओमेगा के क्या होगा, बराबर होगा, बट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन है, ध्यान रखिए। अब दूसरा पूछा जाता बेटा, हम लोग टाप का एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट टाप पे लिया और एक पॉइंट बॉटम पे लिया, यहाँ पे बी टाप और ये बी बॉटम है, ठीक, ये ऐसे मूव करेगा तो बी बॉटम जो आपका होगा, बी बॉटम की वेलोसिटी क्या होगी, बी टाप की वेलोसिटी क्या होगी, बी सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने मान लो आर ओमेगा और यही वैल्यू बी के बराबर दे दिया। बी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है, वही वैल्यू में सपोज बी के इक्वल ले लिया। बेटा पूछा क्या जा रहा है, तो अगर ये रोलिंग हो रही है विदाउट क्लिपिंग तो टाप पॉइंट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो बी के बराबर होगा, बी से ज़्यादा होगा, बी से कम होगा। जो बॉटम है यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ से नियरेस्ट पॉइंट पे, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बी के बराबर होगी, बी से कम होगी, बी से ज़्यादा होगी या कुछ और होगा, कितने लोग बताएंगे, कितने लोग बताएंगे हो गया जीरो, यानी कि अगर कोई भी बॉडी प्योर होने का
कंडीशन में उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा शून्य होता है और ये स्टार्ट पॉइंट की वेलोसिटी टू भी होते हैं या केवल टू आर ओमेगा बराबर होगा और सेंटर ऑफ की मास की वेलोसिटी जो होगा आर ओमेगा बराबर होता है। यानी स्टार्ट पॉइंट टू आर ओमेगा या टू बी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा तो उससे बी या तो ऊपर वाला टू भी कहोगे और बॉटम की जो वेलोसिटी होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होते हैं अगर बॉडी मूव कर रहा है विदाउट स्किन किए हुए विदाउट क्या स्लिप कर रहे हैं तो उस केस में हमेशा जीरो होता है। ठीक, कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके बीम का हमेशा रेस्ट में रहता है तो आप बोलोगे आगे कैसे चल रहा है, अगर बाकी सिस्टम मूव कर रहा है तो रोटेट करा देंगे आगे जा रहा है तो जैसे वेलोसिटी बॉटम का हमेशा क्या होते हैं जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा ठीक, अगर पावर पे तो गाड़ी एक्स्ट्रा स्पीड कर दी जाएगी जितनी होगी उससे ज़्यादा चलेगी, जैसे किसी ढलान पे आप जा रहे हो आप ब्रेक ले रहे हो तभी गाड़ी स्पीड करते हुए आगे जा रही हो तो वो सिचुएशन होगा। दूसरा अगर इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो गाड़ी आप ऊपर चढ़ा रहे हो तो गाड़ी चढ़ नहीं रही है पीछे उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है वो कैसा कंडीशन वहाँ पर बन रहा है। ठीक, ये चीज का आपको तीन कंडीशन आगे बनेंगे फिर लीजिएगा बॉडी का स्टेट तो बदल नहीं रहा जी, पॉइंट से ही अगर कोई पहिया है ऊपर वाला जितना इधर जाएगा नीचे वाला इतना इधर भाग जाएगा उस हिसाब से मेरा आपने जो लिखा तो सही रहेगा हम ना कहने का लेकिन कैसे होगा वो कब होता है सर जी ये का इनका कहने का मतलब है कि भैया जो आगे चल रहा है ठीक जितना ऊपर चलना चाहिए उतना नीचे चलना चाहिए भाई साहब। अगर ये ऊपर नीचे जैसे देखो ये चल रहा है ना ये चल रहा है तो ये रोटेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ऐसे रोटेट हो रहा है क्या हो रहा है ऐसे रोटेट हो रहा है ना तो इस कंडीशन में क्या होगा अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा अगर 10 सेंटीमीटर चलेगा ऊपर वाले पोर्शन पे आर ओमेगा यहाँ एक्स्ट्रा रिलीज करना पड़ेगा और ये बिना किसके क्या करेगा इसका जो आगे से मूवमेंट आपका हो रहा है इसकी वेलोसिटी हमारी कॉन्टैक्ट में क्या होती है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है बॉडी की जीरो नहीं होती है जहाँ टच कर रहे हैं वहाँ पे खाली जीरो होता है। अगर आपको भी बराबर है तो ये ऐसे जाएगा स्लिप करते हुए स्लीपिंग में हर पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होती है रोलिंग में कभी भी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के सेम नहीं हो सकती है सब क्या जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नीचे वाली कम और कॉन्टैक्ट की जीरो होगी तो स्लीपिंग की जो आपके दिमाग में आता है स्लीपिंग होता था वैसा होता है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन इनके साथ कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन इनका ऑब्जेक्ट रोल एक्रॉस है इनका ऑब्जेक्ट रोल एक्रॉस है सरफेस एक्रॉस सरफेस ऑब्जेक्ट रोल एक्रॉस सरफेस इन सच ए वे दैट दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट and in this condition
इंटरनल मोशन इन दिस कंडीशन इट इज ट्रीटेड एज प्योर रोटेशनल मोशन
ये और ये सेंटर को हम लोगों ने क्या लिया, सी एल दिखा रहे हैं। सेंटर क्या दिखा रहे हैं, सी एल से दिखा रहे हैं सेंटर का पार्ट। इसकी वैल्यू बी है, यहाँ क्वार्टर पे जो मेरा की होगा बी बी की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा अगर वो ट्रांसलेट हो रहा है तो बॉडी सीधा सीधा मूव करेगा, और जब सीधा सीधा मूव करेगा मतलब कह लो कि इसकी एसिडिटी वाली कहानी हो, तो उसके इसमें हर पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम सेम रहेगी। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी अगर ये हमारा क्या हो रहा है, कैसा ट्रांसलेट हो रहा है। तो अगर ट्रांसलेट हो रहा है तो उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम सेम होगी। दूसरा, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है, तब क्या होगा बेटा, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा समझिएगा, इसमें दो पॉइंट बना दे, एक मिनट रुको बेटा। इसके वेलोसिटी बी सी एम दे देते हैं लोग यहाँ पे, और आगे वाले की वेलोसिटी को थोड़ा सा हम अलग करेंगे आपको समझने के लिए। ये बी सी एम है, इसकी वैल्यू बी के बराबर है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपका होगा, ये हमारा पॉइंट ए बी सी पॉइंट ले लेते हैं, इस बी सी की वैल्यू भी बी के बराबर होगा, थोड़ा देखिए आप इसमें क्या करना है तो भी यहाँ पे समझ लीजिए, उस पॉइंट की वेलोसिटी भी बी के बराबर होगी। मतलब क्या होगा, जैसे बॉल ले लिया, बॉल इस खाते में ले जा रहे हैं, तो ऊपर वाली वेलोसिटी, बीच वाली वेलोसिटी, बॉटम वाली वेलोसिटी और फ्रंट वाली वेलोसिटी सब बी 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 ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। दूसरा, जब हम लोग प्योर रोलिंग, ये प्योर रोटेशन ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, प्योर ट्रांसलेशन की बात करें, जब प्योर रोलिंग की बात करेंगे, ये कंडीशन है प्योर रोलिंग की। अगर प्योर रोलिंग की बॉडी हमारी रोलिंग पहले रोटेशन कर लेते हैं, प्योर रोटेशन कर लेते हैं, यहाँ पे लोगे ये सेंटर ऑफ मास है, ये टॉपमोस्ट पॉइंट है और ये बॉटम, ठीक। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोल करने का मतलब अपने एक्सिस पे घूमेगी या रोड पे दौड़ेगी। अगर रोटेशन अगर आपका प्योर हो रहा है तो उसके अंदर बॉडी अपने एक्सिस से घूमेगा या रोड पे जाने के आगे घर पे मूव करेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा। जब अपने एक्सिस पे घूमेगा बेटा तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी सारे पॉइंट का सेम होगा या अलग अलग होगा। यहाँ पे तीन पॉइंट ले रहे हैं, एक सेंटर ऑफ मास, अब यही आपको बताना है, यही पे ना गड़बड़ होता है। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ए लिया था, अभी भी ए ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ सी लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे बी लिया, ए बी सी, ठीक। अब हमें वेलोसिटी को दिखाना है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। उस कंडीशन में अगर रोटेट हो रहा है, सपोज है लीनियर की कंडीशन जो हम ले रहे हैं वो बी से दिखा रही है, तो आगे का ध्यान लेंगे, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, इस पॉइंट पे आएंगे तो टेंडेंशियल हो जाएगा, ये होगा, इस पॉइंट पे रहेंगे तो ये होगा। यहाँ पे वेलोसिटी अगर बी है तो इस पॉइंट से इस बी सी एम की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है बेटा? हाँ, अगर रोल कर रहा है तो क्या उसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी होगी, हमेशा जीरो रहेगी। तो पंखा चल रहा है ना, रोटेट हो रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे है, जो अपनी पोजीशन पे होगा रोटेशन पे होने हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो, यही कंफ्यूजन होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये घूमेगा बी, अगर ये घूम रहा है बी ए भी होगा, बी ए भी होगा, बी की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर रहेगा, ठीक। उस केस में जब हम प्योर रोटेशन की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगा। तीसरा, जब प्योर रोलिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्योर रोलिंग की बात करेंगे, तब क्या होगा, जो आप पहले पूछिए प्योर रोलिंग, ऊपर वाले को टू बी, नीचे वाले ऊपर वाला टू बी, नीचे वाला जीरो, बीच वाला बी, ठीक। बीच वाला क्या हो जाएगा बी, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा देखिए उसमें और इम्प्रूव कर देंगे, और क्या लिखना है बेटा, रोलिंग, रोलिंग और रोटेशन का अंतर समझ आया, रोटेशन अंदर अपने एक्सिस पे घूम रहा है, रोलिंग का मतलब बेटा अलोड करने का आगे भी जा रहा है,
तो समझे कहाँ हो। अरे ये चंगाई का दे रहा करो, दिमाग यहाँ रहेगा तभी काम करेगा। ठीक पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी, थोड़ा अजीब सा लगता होगा है, लेकिन वो बिना लगे आगे वाला नहीं होता है, उसको आपको अच्छा लगाना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक अब अगले रहे तो आप पढ़ के आएंगे, थोड़ा सिंसियरली क्लास में बैठे रहेंगे, पहले समझाए समझ लिया करिए। हो सकता है नया आपको नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, घर पर जाके दोबारा पढ़ोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। चलो यहाँ पे नहीं बेटा, ये सेंटर आप पास है, अभी आपको पता है प्योर रोलिंग होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, ये हमने बॉटम पॉइंट भी लिया था, यहाँ ये पॉइंट हम सी लेंगे। ठीक अब की वहाँ पे केवल हम लोगों ने रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंसीडर किया था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर ले रहे हैं, पॉइंट नंबर सी ले रहे हैं। अगर बी सी एम की वैल्यू बी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बी के बराबर है बेटा, तो अभी बोला था बी टॉप की जो वेलोसिटी होगा वो कितना आएगा, बॉटम की वेलोसिटी कितना होगा बेटा, तो बी बॉटम की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं आप इधर दिखा दूँ चाहे इधर दिखा दूँ कहीं दिखा दूँ, तो बी की जो वैल्यू होगा कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब बात आता है सी पॉइंट की वेलोसिटी कितना होगा, 2b के बराबर या b और रूट टू के बराबर या कुछ अदर इसके अलावा कुछ और होगा। c पॉइंट की जो वेलोसिटी रिजल्टेंट होगी वो कितनी होगी, b के बराबर तो मोर देन 2b के इक्वल जीरो या b और 2b के बीच में या समथिंग कुछ और, जिसकी वेलोसिटी होगा वो कितना रहेगा ये बताना, b और 2b के बीच का जीरो और टू बी के बीच में, जीरो और टू बी के बीच में क्या रखेंगे, हाँ जी बोल रहे हो कितना, जिन्होंने बोला रूट टू बी कितने लोग कह रहे हैं राइट है। देखो जो आर्मिया की वेलोसिटी हमें मिलेगा क्या मिलेगा बेटा, ये आपका
आप जितना ज्यादा बैंक उतना ज्यादा मिलेगा, उसका टिकट भी बराबर होगा, याद रखने को कुछ नहीं जान पा रहा आप। चलो देखो तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ से रोल करने के लिए हमेशा सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा, ट्रैफिक हम तो स्लिप करता हुआ है, कभी रोल नहीं करेगा। अब कंडीशन क्या है, इसको रोल किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए टार्क की जरूरत होती है, किसी जरूरत होगी टार्क। यहाँ जो टार्क डेवलप करेगा ना, यहाँ जो टार्क क्या करेगा डेवलप करेगा, वो बेटा आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, देखो फ्रिक्शन जब बॉडी नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, आगे तो पीछे नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इधर की तरफ, फ्रिक्शन कितना लगेगा ये, और इसकी रेडियस कितना है आर, दिस यही आर इंटू एफ, ये यहाँ टार्क का डेवलपमेंट करेगा। अगर पूछा जाए कि उसको रोटेट होने के लिए वहाँ पे टार्क का डेवलपमेंट कौन करता है, आप बोलोगे फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई टार्क डेवलप नहीं करता, स्लाइड करते हुए नीचे चला आता है, समझे कुछ भाई। जैसे किसी चीज को घुमाने के लिए हमें टार्क की जरूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पे टार्क कौन डेवलप करेगा, जो इस जो भी ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है इसके बीच जो फ्रिक्शन लगने वाला है, ये फ्रिक्शन इसको घुमाने का काम करेगा, क्या करेगा उसको रोटेट। जैसे पहिया है, पहिया में जाना है आपको है, तो हम क्या करते हैं साइड से पहिए को सरफेस को क्या करेंगे, पहिए को पकड़िए घुमा दीजिए तो वहाँ एक टार्क हम डेवलप करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे ये टार्क भी डेवलप करेगा, इसकी वजह से ये रोटेट होते हुए क्या करेगा नीचे की तरफ आएगा, ठीक। अब कंडीशन हम लोग क्योंकि यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा प्योर रोलिंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है प्योर रोलिंग की बात हो रही है, तो रोल करता हुआ हमारा बॉडी नीचे आएगा। अब पूछा क्या जाता है, देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आएगा, दूसरा तो जब बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी समय कितनी होगी, तीसरा कंडीशन हम लोग कह सकते हैं क्या टाइम कितना लगाएगा वो नीचे आने में, कितना समय क्या होगा टाइम टेकन होगा बॉटम पे आने में। और जो आपको ज्यादा पूछा गया है वो टाइम का एक रेशियो पूछा, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा किसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो ज्यादातर उस पर आपके क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ से जो हाइट है, इस पॉइंट से हमने हाइट कितना ले लिया, यस जिस पॉइंट पे आपका वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ से हाइट आपका कितना है उसका, यस है। उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे क्या होगा वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जल्दी करो बेटा, टाइम का कम है, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम देख लो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आगे देखिएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो जब भी बेटा लोड करते हैं यहाँ पे चल के इस पोजीशन तक आएगा, ऊपर से चला और नीचे तक जब पहुँचना है तो उस कंडीशन से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा बढ़ेगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कर दो गेन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक, तो टोटल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम लोग काइनेटिक के फॉर्म में ले लेते हैं, उसके फॉर्म में बेटा काइनेटिक के फॉर्म में इसका पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला देते हैं कि यस यस राइट पे है, मास एम है तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा बेटा एम जी एस। और आपने बोला क्या जो काइनेटिक एनर्जी आपका होगा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल दोनों का सम होता है, और दोनों का सम का भी पीछे उन्होंने फार्मूला पढ़ा था क्या, आर एम बी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पीछे डिस्कस किया गया था आप एम बी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या दोबारा लिखना चाहिए लिख लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ से टोटल आपका काइनेटिक एनर्जी जब होता था जब हम ट्रांसलेट करते थे रोटेट करते थे तो केस में कितना थे आपने आप एम बी स्क्वायर वन प्लस कितना निकाला था के स्क्वायर बाय आर। देखो यहाँ से यम एम बेटा कैंसिल हो जाएगा, यम एम अभी पहले रहने दो अभी ना कैंसिल करिए, तो जरा से अभी हम लोग निकालेंगे तो कैंसिल कर देंगे, उसके इसमें क्या होगा ये फार्मूला हमारा हो गया बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। अब अगर वेलोसिटी आपको लोवेस्ट पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इस पे वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इस इक्वेशन से निकालेंगे तो आपका क्या मिलेगा, देखो एम पी एस इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर लेकिन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन कितना है आर स्क्वायर, यम इन दोनों साइड से कैंसिल होगा, बी चाहिए हमें बी ए का आपका डिवाइड होगा ये वाई ना जाएगा, तो बी स्क्वायर के वैल्यू होंगे टू डी के अपॉन ये फैक्टर नीचे आएगा वन प्लस के स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, तो बी की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट टू डी ए अपॉन ये पूरा रूट में रहेगा बेटा वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब वही जैसे पीछे समझाया था के बाई आर की वैल्यू रख दीजिए के पैंट चेक की जो बॉडी होंगी उनके लिए आपको यहाँ से वैल्यू से ठीक है वो मिल जाएगा। समझ गया, क्वेश्चन लिखेंगे एक्सीलरेशन, एच साइन थीटा नहीं एच बाई साइन थीटा। ठीक, नहीं समझे,
करना है। अगर ये कह लो आपकी यस है, यस है तो भी है, अगर इस पहलू को हमने क्या ले लिया, और एक भी नहीं हासिल कितना ले रहे हैं, ये थीटा है, इसका इधर का कंपोनेंट आएगा एस कॉस थीटा आएगा, और इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, सही है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा इक्वल टू हो गया कितना अपना वैल्यू है एस के, तो एस की वैल्यू का एस की वैल्यू का तो एस बाय साइन थीटा नहीं हो जाएगा, तो वही चीज है। यहां पे निकाल लिया एस की वैल्यू, अब ये यहां से चल के यहां तक पहुंचेगा, इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो, और फाइनल वेलोसिटी मान लो यहां पहुंच रहे बी हो रहा है, हमें बी की वैल्यू निकालना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, पढ़ा है नहीं, बी की वैल्यू क्या हो रही निकालनी है, यू की वैल्यू जीरो है प्लस 2 एक्सीलरेशन, हमने वेलोसिटी यहां निकाला है अभी 2a2 लिखा आपने, यस वेलोसिटी की जब इसको वैल्यू रख दो 2gx अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, ये रूट में था हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये रूट क्या होगा, कैंसिल आउट, ये किसे बटा रहे हैं समझ आएंगे ना, अरे बेटा b की वैल्यू अंडर रूट 2 की है, अपॉन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर में हम क्या बता रहा है, रूट हटा स्क्वायर किया तो रूट क्या होगा, कैंसिल आउट इक्वल टू 2a + हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, s की जगह पे रख ले sin थीटा, जैसे सब कर दिया ये हमारा ए से नीचे आ रहा है, तो साइन थीटा ऊपर गया, हमारा नीचे वाला ए की वैल्यू चाहिए, ये फैक्टर ऊपर जाएगा और ये फैक्टर नीचे आएगा, साइन थीटा अपॉन 2h नीचे आएगा 2h ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देखो यहां से h और h क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ना, ये तो और h दोनों साइड से हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कुछ करने वाला है क्या, ये 2gx था ना, ये 2 आया 2gx था आपका, और ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया आपका, कैंसिल बचा ऊपर 3 sin theta बचा हुआ 1 plus k square by r square, 1 plus क्या sin cos, ये वैल्यू आपकी जो हो जाएगी, यहां से निकालोगे a का वैल्यू आया, देखो 3 sin theta अपॉन 1 plus k square अपॉन r square, ये आएगा आपको 3 sin theta अपॉन 1 plus k square अपॉन क्या r square, दिस इज द एक्सीलरेशन, इसे कहते हैं इस एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक पे है, इधर की तरफ क्या करेगा, नीचे मूव करते हुए आएगा बेटा, हो गया, तो इतना कर लिया, अपनी कंडीशन बाकी का करवाते हैं, इसका आगे वेट करते हैं, इतना कर लिए, ठीक है, अब वो क्वेश्चन है आपके, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन कर लिए, कल चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगर आप आगे आएंगे जो पूछना होगा फिर बता देंगे या क्वेश्चन आप करवा देंगे।